मगर इंसान की इज्जत और तकरीम करते होया अल्लाह ने फरमाया कि उसको तवज्जो जो करो जल्ला, जिस पे अदबी की थी उन्हों हमेशा हमेशा वास्ते जलांती आना चाहिए। मगर अल्लाह ने इंसान की इतनी ताजीम और तकरीम फरमाई के बगैर किसी मेहनत और मशक्कत दे उसका ठिकाना रब ने जन्नत बना दिया। और साथ ही फरमाया कुला मिनहा रगदन हैसु शिक्तुमा, ये सारी जन्नत ही तुहानूं जो चीज चाहो जिथो चाहो जदा चाहो हई सो शेतुमा जितना चाहो तो इस जन्नत किसी किस्म की कोई रुकावट नहीं। अल्लाह ने फरमाया ऐ आदम ये सारी जन्नत है, मगर फरमाया ला तकरबा हाज़िहि शजरा, सारी जन्नत खाओ पियो टुंडे फिरते रह जाओ मगर ऐ एक दरख्त जेड़ा खला है ना इस दे नेड़े भी ना मिले, फल खाना तो दूर की गल है लाभ तक रबा इस दे करीब भी ना। आखिर इंसान है ते निसियान वाला खमीर भी तो इंसान च अल्लाह आप ही रखे है। अल्लाह दा फना से याद मेरा आदम भुल तो इतो मालूम होता है कि कई मुद्दा आदम पैगंबर और अम्मा हवा जन्नत चलाए। इतना नहीं हो सकता बंदा हूं मैं कोई गल करे तो दम्मी वाले मैं बोले बैठो कुछ अरसा तो लगता है कुछ वक्त गुजर सी तो गल दिमाग इस वास्ते कई अरसा अल्लाह का वो बनाया होया बंदा जन्नत च रहा मुद्दत जो गुजर गई तो जेड़ा अल्लाह ने फरमाया हा के इसने नेड़े जदों उस दरख्त के करीब चले गए जो ही उस दरख्त के करीब गए फौरन अल्लाह ने उन्होंने वजूद तो जंती लिबास उतार लिया। जो भी अल्लाह करीब ने उन्होंने जन्नती लिबास बनाया है मालूम होता है कि जन्नत च भी अगर इंसान रह रहा है उसको उत्थे ही अल्लाह पे लिबास नहीं होने नंगा नहीं रहने तो मालूम होता है मर्द औरत भी अल्लाह ने जीनत ही लिबास है। लिबास उतरे दौड़ना शुरू कर दिया फितरत के अंदर अल्लाह ने मर तो सन के अंदर शर्म हया रखे हालांकि सिर्फ मियां बीवी है त्रिया तो बंदा ही कोई
मियां बीवी के अंदर इतनी बेतकल्फी होती है कि बंदा छोटे मोटे मामलात के अंदर हिजाब नो ले आना वो कोई इतना अहम नहीं समझे, मगर इंसान की घुटी है रब ने शर्मो हया रखे है ते लिबास उतरे है वो शर्मो हया इतना फड़के है उस इंसान के अंदर के दौड़ दौड़ के ते अपने शर्म से भरम की जाल लुगा होने चलना निवरतिल जन्नत जन्नत के दरख्त के पत्ते पट पट के ते अपनी शर्म से भरम वाली जाह में छुपावना शुरू कर दिया। इन्हें भजदे भजे हम ते बड़े बेचैन ते बेकरार हम नादा हुमा रब्दु हुमा अलम अन हकुमा अल्लाह तो सर मार के आखे आओ मेरा आदम थानू मैं रोके आना ही इस तरह के नेड़े न हो जाए अल किस्सा मुख्तसर ए है कि फिर अल्लाह ने फरमाया कि हुण तुसा इस जन्नत च नहीं रह सकते उतर जाओ थले जमीन ते जाओ अगे तक घर बैठे बिठाया पक्का पकाया तुहानू दे दिता है जन्नत वाला कोठा हुण वन्यो थले उठे धक्के थुटे झले सो ते वध हट के तुहानू एक कोठा दिसा है ताकि तुहानू साडे इस कोठे दी इज्जत ते कदर दा एहसास उतरो थले जदों थले उतरन लगे पहली वेरी इस दुनिया के जंगल च उतरने पाए तिहरनी दो मिया बीवी त्रिया बंदा भी हो गया उतरते पे हम पिछे खलो के आदम अलैहिस्सलाम ने आख्या अल्लाह सानू तो हुण तू उस इलाके च खलेंदा पे जिहड़े इलाके नू असां जाणदे नहीं है चलो साढ़े कोल भोल भोले के नाल लग्जिश हो गई है मगर एक मेहरबानी ये कर कि हुण असां हमेशा हमेशा उठाई रहने उत्थे साडा ठिकाना होना अल्लाह ने फरमाया नहीं فَمُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ ਤੁਹਾਡਾ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਚ ਵੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਜਹਾਨ ਦੇ ਇਲਾਕਾ ਹੀ ਅਰਜ਼ੀ ਹੈ ਨਾ ਰਹਿਣਾ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਜਿਹੜੀ ਦੁਨੀਆ ਚ ਵੈਂਦੇ ਪਏ ਹੋ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਤੇ ਜਹਾਨ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹੇ ਇੱਕ ਦੇ ਤੁਸਾਂ ਹੀ ਮੁਕਵੈਣਾ ਹੈ ਤੇ ਉਸ ਜਹਾਨ ਨੇ ਵੀ ਮੁਕਵੈ अच्छा चलो अल्लाह तो ठीक है मगर जे हट के इससे अपने घर आना हो तो दूरी तक ही रह गुमाई फरमा जो केड़े राह टुरा है जो इस तक असा फड़ सकते हैं ये तो इन नहीं होता जिम्मे बंदा बह के आ यार मैं तो इन समझो छत तू ठह आदम अलैहि सलातो वसलाम अल्लाह ने सिर्फ छत तो तले नहीं सटिया सत्ता आसमाना तो उत्तों तले सटिया अल्लाह के वल इत्थे आउणा होवे ते वल ओ दी कोई रहनुमाई फरमा अल्लाह ने फरमाया ठीक है फइम्मा यातियन्नकुम मिन्नी हुदा ये इत्थे वल आउणा होने है ना वल अपनी मर्जी नाल राह दा इंतखाब न करया है मिन्नी हुदन हिदायत दा खजाना मैं अल्लाह आप तौर नसीब फरमा है गल दी समझ आती पई ने अपनी मर्जी नाल राह न चुन लिया उस राह ते तुरे आए जेड़े राह दा इंतखाब कौन करे क्योंकि जन्नत ही मेरी है ते ओ जब तक अपना दा राह दा इल्म ही रखण वाला कौन है अल्लाह ने लफ्ज बोलिया मिन्नी खुदा खुदा ते जान दे ओ आखिर वक्त आया
ਜਿਹੜਾ ਅੱਲਾ ਨੇ ਆਦਮ ਪੈਗੰਬਰ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਯਅਤੀਅੰਨਕੁਮ ਮਿੰਨੀ ਹੁਦਾ ਉਹ ਹਿਕ ਦੇ ਵੱਲ ਸੋਹਣੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਤੇ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਲਾ ਕਾ ਲਾ ਰੈਬ ਫੀਹਿ ਹੁਦਾ ਜ਼ਾਲਿਕਲ ਕਿਤਾਬ ਲਾ ਰੈਬ ਫੀਹਿ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਹੁਦਾ ਤੇ ਹਿਦਾਇਤ ਮੈਂ ਰੱਬ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਾਂ ਉਸ ਹੁਦਾ मतलब क्या है अल्लाह ने फरमाया जो हुण हट के उते आवणा ही ने तो हल मननी कहीं नहीं पोसी सारे बोलो जड़े मनना चाहते ओ खुदा ते हिदायत दा खजाना कड़ी किताब है सारे बोलो मुसलमान सारे दा इरादा है जो अल्लाह करे ते दिन कयामत दे रब दे लितरा कोलो बच के ते सिद्धा जन्नत च दाखिल हो अल्लाह शाला हर मुसलमान को नसीब फरमाए जेडे सुते पैर यकीनन जहन्नम में चले जाए थके बैठे हो या भूख से सुकून आया बैठे तवज्जो करो अल्लाह ने फरमाया जेडे जहान च बैंदे पए हो वो जहान भी पहले दिन तो अल्लाह ने यो मसला समझाया ना जहान हमेशा रसी ना इंसान हमेशा रसी हमेशा रसी तमन्ना तू हम बराबर वाला रहमान हमेशा ਜਦਾ ਬੰਦੇ ਦਾ ਮੁੱਢ ਤੇ ਐਰਾ ਹੀ ਗੰਦਾ ਹੋਵੇ ਖਰਾਬ ਹੋਵੇ ਤੇ ਵੱਧ ਵੀ ਉਹ ਬਿਲਡਿੰਗ ਤੇ ਉਹ ਬੜੇ ਲੰਦਰ ਪਾਉਣ ਦੀ ਸੋਚ ਰੱਖੀ ਖਲੋਤਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਯਕੀਨਨ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਆਖਣਾ ਜੀ ਇਹ ਬੰਦਾ ਅਕਲ ਤੋਂ ਮਾਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਜੰਨਤ ਚ ਅਪਣਨ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਅਕੀਦਾ ਇਹ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ कि सारी कायनात के सिर को मौत जा नहीं सकती उस रब के सिर पे मौत आ नहीं सकती ते जे बंदा मुड्डो मौत नु ही ना मन्ने तो फिर ओ उस तबुआ वेखना नसीब हो सी मुड्डी गंदा रखी कर इस वास्ते अल्लाह ने फरमाया अल्लजी خلق الموت والحياة میں رب نے تیری زندگی اور موت کا فیصلہ فرمایا نہ تیری کوئی زندگی بتا سکتا ہے نہ گھٹا سکتا ہے تے نہ ہی میں رب دے آئے ہوئے موت والے فیصلے کو ہٹا سکتا ہے اذا جاء اجلهم لا ساعتن ولا يستقرن جب میں رب دا او وقت مقرر موت والا آ گیا پھر ایک سیکنڈ بھی کوئی اگا پیچھا کرنے دی ضرورت رکھدا ہے جد دن قیامت دے گیا کھلوتا اسی اس وقت آپ کی رب لولا اخرتنی الى اجل قریب اللہ کوئی تھوڑا جی ہے یہ وقت دو چار منٹا دی مہلت دے میں ہا اجل اللہ نے اس وقت فرماونا اذا جا اجلهم اے جڑی اج اجل کھلا منگدا ہے او اجل نہ تا میں رب نے پہلے تے دس دیتا ہے کہ جب اللہ اے موت دا فیصلہ رکھیا کیوں ہے ایک تا اللہ اے دسیا ہے کہ تاکہ دیو خالق تے مخلوق دی پہچان ہو جائے مخلوق کدی مرن تو بچ کے رہ سکدی
ਸਾਰੇ ਬੋਲੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਅਸਾਂ ਮਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਤਾਂ ਬੋਲੋ ਨਾ ਮੌਤ ਕੋਲੋਂ ਅਸਾਂ ਬਚ ਰਹਿ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਦੁਆ ਅੱਲਾ ਇਹ ਦੱਸਦਾ ਪਿਆ ਨੂਨ ਹੈ ਜੋ ਕਹਿੰਦੀ ਮਿਹਨਤ ਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਜ਼ਾਇ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਇਸ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਤੈਨੂੰ ਦੁਨੀਆਂ ਤੇ ਘਲਿਆ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਤੇ ਵੱਲ ਤੇਰੀ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਵਾਸਤੇ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਘਲਿਆ ਹੁਣ ਅਸਾਂ ਤੈਨੂੰ ਇਹ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਮੋਹਲਤ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਪੈਦਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਰਹਿਨੁਮਾਈ ਹਾਸਲ ਕਰ ਹੁਣ ਜੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆ ਵੱਤ ਹਟ ਕੇ ਪਿਓ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵਿਰਾਸਤ ਜੰਨਤ ਸੰਭਾਲਣੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤਾਲੁਕ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਘਰ ਸਾਡੇ ਪਿਓ ਦਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਆਈ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਦੇ ਮੁਸਤਹਿਕ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਔਲਾਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਸੇ ਦੀ ਔਲਾਦ ਹੈ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਜੰਨਤ ਹੈ ਔਰਸਨਲ ਅਰਜ਼ਾ ਨਤਬਵਉ ਮਿਨਲ ਜੰਨਤ ਹੈਸੁ ਨਸ਼ਾ ਜੇ ਪਿਓ ਦੀ ਵਿਰਾਸਤ ਸੰਭਾਲਣੀ ਨੇ ਤਾਂ ਪਿਓ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ ਕਦਮ ਤੇ ਚੱਲਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੁੱਢੋਂ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੌਤ ਹੀ ਨਾ ਸਮਝੇ ਮਲੂਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਜੰਨਤ ਚ ਵੰਜਣਾ ਪਸੰਦ ਜੰਨਤ ਚ ਵੰਜਣ ਵਾਸਤੇ ਮਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹੁਣ ਇੰਜਾ ਹੀ ਕਰੇ ਦਿਓ ਨਾ ਇੰਜਾ ਹੀ ਕਰੇ ਦਿਓ ਸ਼ੱਕ ਚ ਪੈ ਗਏ ਕਰਮਾ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ ਆਧੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਕੁੱਲੋ ਮਨ ਅਲੈਹਾ ਫਾਨ ਕੁੱਲੋ ਨਫਸਿਨ ਜ਼ਾਇਕਤੁਲ ਮੌਤ ਕੁੱਲੋ ਸ਼ਈਇਨ ਹਾਲਿਕੁਨ ਇਲਾ ਵਜਹਾ ਜ਼ਰਾ ਜ਼ਰਾ ਕਾਇਨਾਤ ਹਲਾਕ ਹੋਏ ਸੀ ਖਤਮ ਹੋਏ ਸੀ ਜੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲੀ ਜ਼ਾਤ ਹੈ ਤੋਂ ਕੌਣ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਹੀ ਤਸਲੀਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤਾਂ ਉਸਦਾ ਮੇਰੇ ਸੋਹਣੇ ਮਹਿਬੂਬ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਸੂਮ ਨਾਲ ਤਾਲੁਕ ਬੋਲੋ ਸ਼ਾਬਾਸ਼ ਕੋਈ ਮੋਟੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਚ ਆਖਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੌਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮੰਨੇ ਤੇ ਮੰਨ ਕੇ ਵੱਤ ਵੀ ਆਖੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਇਹ ਮੋਇਆ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤੇ ਖੁਦਾ ਨਾਲ ਮਜ਼ਾਕ ਕੀ ਤੁਸ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਦੇ ਉਹ ਖੱਬੀ ਵਿਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸੱਜੀ ਠੋਕੀ ਇਸ ਮੁਰਦਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਇਸ ਨਾਲ ਸੁਣਦਾ ਹੀ ਆਖਿਆ ਮੁਰਦਾ ਮੰਨ ਕੇ ਤੇ ਵੱਤ ਅੱਗੋਂ ਕੇ ਆਦਾ ਹੈ ਇਸ ਵੱਤ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਬੋਲੋ ਯਾਰ ਜੇ ਮੰਨੇ ਆ ਤਾਂ ਆਖੇ ਆ ਜੀਂਦੇ ਸੁਣਦੇ ਨ ਮੋਏ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ ਫਰਕ ਤਾਂ ਇੰਜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇਹ ਆਦਾ ਜੀਂਦਿਆਂ ਇਹ ਹੀ ਕੱਖ ਦਾ ਇਹ ਮੋਏ ਤੇ ਕਿਤਨੇ ਲੱਖਾਂ ਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਮੰਨੇ ਉਹ ਖਲੋ ਯਾਰ ਪਹਿਲੇ ਮਸਲਾ ਸਮਝ ਲਿਓ ਤੇ ਵੱਤ ਫਤਵੇ ਲਵਿਆ ਹੈ ਨਾ ਪਹਿਲੇ ਹਕੀਕਤ ਨੂੰ ਸਮਝੋ ਜੇ ਨਹੀਂ ਯਕੀਨ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਸੁਣੋ ਹੁਣ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਖੁਦ ਮੌਤ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੇ ਫੈਸਲਾ ਫਰਮਾ ਰਿਹਾ ਹੈ انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت اللہ فرماندا ہے خرچ کر لو مما رزقناكم جو کچھ میں اللہ والوں تانوں نصیب ہویا ہے ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲੋ ਦੌਲਤ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਵਾਲੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਅੱਖਾਂ ਤੇ ਕੰਨਾਂ ਤੇ ਨੱਕਾਂ ਤੇ ਜ਼ਬਾਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਪੈਰ ਨਸੀਬ ਫਰਮਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਕੜਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਹਲਾਵਣ ਤੇ ਹਰਕਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੱਥ ਦਿੱਤੇ
ਇਹ ਅੱਖੀ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਇਹ ਕੰਨ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤੇ, ਅਨਫਿਕੋ ਅਨਫਿਕੋ ਅਨਫਿਕੋ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦੀ ਅਰਨੇ ਮਤ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ, ਮਗਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਹੈ। ਅਨਫਿਕੂ ਉਸੇ ਦੇ ਰਾਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿ ਕਰੋ ਖਰਚ ਕਰੋ, ਉਹ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨੇ, ਯਾਨੀ ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੀਨ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜਵਾਨੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤਾਂ ਮੈਂ ਰੱਬ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਦੀ ਇੱਜ਼ਤ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਮਾਸੂਮ ਦੀ ਸੀਰਤ ਦੀ ਕਦਰ ਕਰਨ 'ਚ ਗੁਜ਼ਾਰ ਦੇ, ਤੈਨੂੰ ਅੱਖੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤਾਂ ਸ਼ਰਮੋ ਹਯਾ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਜ਼ਬਾਨ ਦਿੱਤੀ ਏ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਦੀਨ ਦੀ ਤਬਲੀਗ 'ਚ ਖਰਚ ਕਰ, ਤੈਨੂੰ ਕੰਨ ਦਿੱਤੇ ਤੈਨੂੰ ਚੋਂ ਮੇਰੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਦੀਨ ਦੀਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਕਰ, ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੇਰੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇਮਤਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਦਾ ਹੱਦ ਬੰਨਾ ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਹੈ, ਅੱਗੋਂ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਬੂਲੇ ਆਈ ਅਹਦਕੁਮੁਲ ਮੌਤ, ਮੌਤ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈ, ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਤਾਂ ਵੱਲ ਤੈਨੂੰ ਖਰਚ ਕਰਨੇ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਸੀਬ। ਬੋਲੋ ਨਾ ਯਾਰ, ਮਾਲੂਮ ਆਉਂਦਾ ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੇ ਮੇਰੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈ, ਮਰਨ ਤੋਂ। ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਪਈ ਨੇ ਗੱਲ, ਮੈਂ ਸਮਝਾਈਂਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਅੱਲਾ ਦਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਅੱਲਾ ਦੇ ਰਸਤੇ ਤੇ ਖਰਚ ਕਰਨਾ ਹੀ ਤਾਂ ਮਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਰ ਲੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇਂਦਾ ਬਲਕਿ ਮੌਲਵੀ ਮਰਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਖਰਚ ਕਰਾਈਂਦਾ, ਬਾਅਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਇਹ ਕੁਲਖਾਨੀ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੀ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਖਤਮ ਪਹਿਲੇ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਚਲੀ ਸਵਾ, ਤੇ ਅੱਲਾ ਕੇ ਆਦਾ ਮਰਨ ਤੂੰ। ਇਹ ਮੌਲਵੀ ਖੁਦਾ ਦੇ ਕੁਰਾਨ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਦਾ ਕਰੇਗਾ। ਹੁਣ ਖਾਵਣ ਵਾਲੇ ਤਾਂ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰ ਗਏ। ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਅਨਫਿਕੂ ਖਰਚ ਕਰ ਲੈ ਮਰਨ ਤੂੰ। ਬੋਲੋ, ਅੱਲਾ ਫਰਮਾਦਾ ਇਹ ਅੱਖ ਹੀ ਵੇਖ ਲੈ, ਇਹ ਜ਼ਬਾਨ ਹੀ ਬੋਲ ਲੈ, ਇਹ ਕੰਨ ਸੁਣ ਲੈ, ਇਹ ਪੈਰ ਤੁਰ ਲੈ, ਇਹ ਹੱਥ ਇਹਨ ਪਕੜ ਲੈ, ਮਗਰ ਜਦੋਂ ਤੇਰੇ ਉੱਤੇ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਅਮਲੋਮ ਆਈ ਦੀ ਅਬ ਤਿਸ਼ੋਨ ਬਿਹਾ, ਮਰ ਗਿਓ ਤਾਂ ਤੇਰੇ ਹੱਥ ਤਾਂ ਆਉਣੇ ਮਗਰ ਹਲਾਵਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅਮਲੋਮ ਆਇਓ ਨੋਈ ਅਬ ਸਿਰੋਨ ਬਿਹਾ, ਅੱਖੀਂ ਤਾਂ ਹੋਣੀਆਂ ਮਗਰ ਵੇਖਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅਲਾ ਹੁਮਾਰ ਜੋਲੋਈ ਅਮਸ਼ੋ ਨਬੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਹੋਣ ਮਗਰ ਚੱਲਣ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਅਮੋਲਾ ਹੋ ਆਜ਼ਾਨੋਈ ਅਸਮੋ ਨਬਿਆ, ਇਹਦੇ ਕੰਨ ਤਾਂ ਹੋਣ ਮਗਰ ਸੁਣਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੁਣ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਈ ਜਦਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੋਲ ਤਾਂ ਸਕਦਾ ਈ ਜਦਾਂ ਮਰਿਆ ਨਹੀਂ ਆਏ, ਜਦਾਂ ਮੌਤ ਆ ਗਈ ਏ ਤਾਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਏ। ਇਹ ਕਹੇ ਆਖੇ, ਅੱਛਾ ਅੱਲਾ ਜੋ ਆਦਾ, ਕਿਆ ਉਨਕੇ ਪਾਓ ਹੈ ਵੋ ਜਿਸ ਸੇ ਚਲਤੇ, ਤੋ ਮਰਨੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਪਾਓ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਬ ਛੁੜੇ ਨੇ ਉਹ ਮੁਰਦੇ ਦੇ ਪੈਰ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ,
ते अल्लाह वादा दे बे क्या उन्हां दे पैर जिन्हां नाल ओ चल सकदे, मतलब के हे पैर ता हन मगर चलन वाली ताकत मौजूद, हाथ ता हन मगर हलावण वाली ताकत, अख ता हे मगर वेखण वाली ताकत, कान ता हन मगर सुनण वाली ताकत। मौलवी मने बोलो ना हुण, लिहाजा ए अपने प्यो दा, ए अपने प्यो दी विरासत संभाल नहीं सकदा। लिहाजा अल्लाह दे कुरान ने फरमाया है, तवज्जो है ना, जिस वक्त मौत दा वेला आंदा है, अल्लाह दा कुरान फरमांदा है, कल्ला कल्ला इज़ा बलगत अत्तराकी वकील मन राक वज़न फिराक तो जानते हो ना। अल्लाह फरमांदा है जदा मरने वाले दा रूह निकलदा है, असा ओदे पैरां चो रूह कढ़ना शुरू कर देने आए, लत्तां चो निकल गया, गोड़ियां चो निकल गया, पट्टां ते सथलां ते रानां विचो निकल गया, वलो ते पेट चो निकल गया, छाती तो निकल गया, बाजुआं चो निकल गया, किथे आंदा है बालागत तराकी, इस नरगढ़ दे नाल जड़िया ऐ हड्डियां खलोतियां ऐ, इन्हां नूं तराकी आख्या वैंदा है, यानी हंसलियां तक जदा रो पहुंच वैंदा है। अल्लाह फरमांदा है उस वक्त उहदी अखी तां खुलियां पईआं आउंदियां, मगर अपने वजूद नूं हरकत देवण दी ताकत नहीं रखदा, उस वक्त जिहड़े उतले उहदे लगदे लैंदे खलोते होंदे, ओह आदन के यार घुंघरू खड़कदा पिया होणे ते बचण दा इमकान कोई नहीं है, इतना लाचार होया पिया कि ओदे लगदे लैंदे ओदी अखी दे उतले छप्पर ते हथ रखदे पए ओदे, इतना कमजोर ते आजिज ते लाचार होया पिया है कि अपनी अख दा उतला छप्पर भी तले करण दी ताकत नहीं रखदा। अल्लाह फरमांदा है उतले तर होंदे खलोते आउंदे, धीआं ते पुत्र तां कुरला दे खलोते आउंदे, मासूम धीआं ते पुत्र खलोते आउंदे, अम्मा ते बाबे दे मूंह ते मूंह रखी खलोते आउंदे, बाबा मेरा के बणसी, ऐ मेरी भैण नौजवान दा के बणसी। अल्लाह फरमांदा है मेरा जिहड़ा भी फैसला होंदा मेरी हिकमत तो खाली नहीं आउंदा, मगर इंसानी फितरत दा तकाज़ा है कि हर बंदा कुरलांदा खलोता आउंदा है। मासूम धीआं अपनी जगह ते रो रहियां आउंदियां, भैणां फिरा लगदे लैंदे अपनी जगह ते रोंदे खलोते आउंदे, मगर अल्लाह फरमांदा है जदा मैं रब दा फैसला आ जावे तेरी मां भैण तां अपनी जगह ते रह जावे, जदा मौत आला फैसला आवे वल भावे मेरे मुहम्मद दी धी फातिमा वी क्यों न रोंदी रह जावे, मैं रब दा आया होया फैसला टाल सकदा कोई नहीं है। अल्लाह फरमांदा है जदा ओदी अखी ते हथ रखण वाले भी आ वेंदे, ओ मरने वाला जिहड़ा हुण बोल के दसदा नहीं सकदा, मगर ओ दिल दिल दे अंदर जिहड़ी गल सोची पिया होंदा, अल्लाह फरमांदा तू घबरा नहीं ओ मरण वालिया, तेरे अंदर दी सोच नूं मैं अल्लाह कुरान बड़ा के तेरी सोच दा ला पैगाम भी पहुंचा देवणा है। अल्लाह फरमांदा है जिस वक्त ओदे रूह निकलण दा टाइम आंदा है, ओ मरने वाला के पिया सोचेंदा है, ओ मन्नी पिया है ज़रना अल्लाहुल फिराक, अल्लाह ज़रना अल्लाहुल फ
फिराक ओनू यकीन आ चुका है कि होर दुनिया दे छोड़न वाला टाइम आ गया है। फिराक दा माना होंदा जुदाई, फुरकत दा माना होंदा विछोड़ा नखोड़ा, लिहाजा मरने वाला पिया मनेंदा है। जल्ला अल्ला उल फिराक ओ बोलता नहीं सकदा, मगर अंदर अंदर आंदा पिया ओ पुत्रा रो नहीं, मेरा दुनिया छोड़न दा टाइम आ गया है। ओ मेरी थी कुल्ला नहीं, मेरा दुनिया छोड़न दा टाइम आ गया है। अल्लाह फरमांदा है मरने वाला भी मन्नी पिया है कि मेरा दुनिया नालों ताल्लुक टुटदा पिया है, ते मेरा केड़े पासे सफर जारी पिया होंदा है। अल्लाह फरमांदा है मौत आला इंज दा विछोड़ा ते निखोड़ा मैं अल्लाह पा छोड़ेंदा। प्यारे रोंदे रह जावे, लगदे लेंदे कुल्लांदे रह जावे, मगर मैं रब अली मौत आले फैसले नूं डाल सकदा नहीं। हुण जे मुलाकातां होणियां तां दिन क्यामत दे आखरा दे अंदर आउणियां ऐ, मगर मुलाकात ही उन्हां दी आउणियां ऐ जे मरण वाला भी हिदायत ते टुरदा गया है। पिछू ओहदा धी ते पुत्र ते माँ प्यो ते भैण भरा भी से हिदायत ते टुरदे गए। अल्लाह फरमांदा दिन क्यामत दे उहनां नूं जन्नत च ठिकाणा भी मैं अल्लाह कठिआं नसीब कर देणा है। अल्लाह अल्लाह अशरफ को गैरत अला नारा तकबीर अला नारा मारे आना। ये पिछले बेईमान है माशाल्लाह। अल्लाह पाक भाई थोड़े जज्बात कबूल फरमाए, बड़े खुश नसीब हो जो यो जाए पुर फितन दौर दे अंदर भी अल्लाह ने तुहानु कुरान सुनन दी तौफीक नसीब फरमाई है। अल्लाह शाला तुहाडा मेरा अज रल के बहना दिन कयामत वास्ते अल्लाह जरिया निजात बना देवे। तवज्जो करो, अल्लाह दा कुरान फरमांदा है خَلَقَ الْمَوْتَ وَالْحَيَاةَ لِيَبْلُوَكُمْ أَيُّكُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا أَحْسَنُ عَمَلًا کیا فرمایا لفظ احسن تے بندے واسطے بھی ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تے کم کیڑا اللہ نے دے ذمہ لایا ہے۔ اللہ فرماندا من احسن قولا ممن دعا الاللہ۔ अल्लाह फरमांदा है तैनु आसन बनाया है ते तैनु शरीयत ते दीन भी आसन दिता है, कम ही कर तो सोने कर बंदा हमेशा सोना बनदा है ता सोने कम नाल बनदा है। लिहाजा अल्लाह फरमांदा है तैनु मौत दिती है जिंदगी दिती है, तैनु जिंदगी दे के मौका दिता के अय्युकुम अहसन अमला ताके अमल कर त मेरे मुहम्मद सोने दी सोनी सीरत दे मुताबिक कर। ओ सारे उसनु जमाल दी इंतहा बने त मोहम्मद, रहमत दी खजाने दी इंतहा बने त मोहम्मद, उसनु जमाल दी इंतहा बने त मोहम्मद, खैर बरकत दा मेहवर बने त मेरा मोहम्मद, सीरत ते खसलत दा शैन शाह बने त मेरा मोहम्मद, नबुवत और रिसालत दी इंतहा बने त मोहम्मद रसूलुल्लाह। लिहाजा अल्लाह फरमांदा है इंसाना विचों सारी कायनात विचों सब तू आसन बनाया ता इंसान बनाया है, इंसाना विचों आसन बनाया ता अंबिया बनाया है, अंबिया विचों आसन बनाया ता मुहम्मद मुस्तफा बनाया है।
अल्लाह फरमांदा है या बोलो वकुम अय्युकुम अहसनु अमला और अमल कर जिंदगी दे अंदर ते अपनी जिंदगी नू सोना बना तेरी सीरत भी सोनी होवे तेरी खसलत ते आदत ते किरदार भी सोना होवे मैं अल्लाह तैनू इस वजह तो मौत दा वक्त नहीं दसिया ताकि हर वेले दुनिया दी जिंदगी दे अंदर चौकन्ना हो के रह जावे लिहाजा अल्लाह फरमांदा है मा तदरी नफ्सु माज़ा तक वमा तदरी नफसुन बे अये अर्द तमोत मरना तो सारे मगर मरण का वक्त जगह का मैं अल्लाह ने नहीं दसिया ताकि होशियार हो के जिंदगी गुजार तेरे दिल च हर वक्त धड़का लगा रह जावे मत मैं बेहयाई करा ते अल्लाह इथा ही मौत च दे मत मैं शराब पीवा ते अल्लाह मौत च दे मत मैं मुहम्मद की सुन्नत रगड़ावा ते अल्लाह मौत च दे मत मैं जिना करन दा इरादा लैके तुर पवा उथाई मैं कदम चावा त खड़े तड़े दी अल्लाह जिंद छिक लवे अल्लाह फरमांदा ले या बुलवा को मैं तेनू अजमावण वास्ते दुनिया की जिंदगी दिती है वेथे आए के ए मेरा हया करेंदा है या दुनिया दा हया करेंदा है मरना तो है ना हर इंसान देख लो एक तो सानू पता क्या साढ़े उत्ते मौत मगर एक पता है जो कदों आवनी किथे आवनी किड़े हाल च आवनी ते पता नहीं मरने दे बाद दो गज कफन भी मिल सी या ना मिल सी पता नहीं सानू जमीन च अल्लाह दफन करने दा भी कोई जमीन दा टुकड़ा नसीब फरमाई सी या अल्लाह अल्लाह मेरे ख्याल है तुसे थके बैठे हो जागो यार ते नाले इन्ना तंदूरा नु ही को करमा ले को सज्जे खब्बे फेरया करो ए जो बेचारे इतने औखे हो के आए बैठे ने कुछ बूथियां ही ना दिए वेज कर लिया करो अल्लाह अल्लाह इतना टाइम तो पहले तो मेरा तेल कड्ढी खलोते रहे चलो खैर तवज्जो करो मौत नू बंदा अगर समझ के याद करके जिंदगी बसर करे अल्लाह फरमाता यकीनन उस बंदे नू मैं ओदे प्यो दी विरासत जरूर नसीब फरमा छोड़े सा ते बंदा हमेशा गुमराह होंदा ही ता है जदा बेफिक्र हो के जिंदगी बसर करेदा है अगर ये सोच तेरे मेरे अंदर बह जावे कि मैं मरना है ते अल्लाह दी अदालत च हाजिर होना है तो दानिस्ता तौर ते जान बुझ के समझदार जी अकल जी फहम आदमी मुहम्मद दी शरीयत दा बागी हो सकदा नहीं है। एक मौके ते अल्लाह करीम ने फरमाया قل إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم نس لے او بندیا جتھوں تک دل کردائی بھج لے جیویں بندہ ساری زندگی دوڑدا رہ جاوے के शाला मैं किवें जमीन कोलों बच वन्या भजदियां भजदियां मर ता सकदा है मगर ओदे पैरा तलू जमीन मुक सकदी नहीं है इंजे है कि नहीं बोलो यार भावे समंदर है पानी है मगर ओदी ता है तकेशा है जमीन है अल्लाह फरमांदा जितना भजना ही जिवें जमीन तूने न सकदा इन्ने साड़ी मौत आले फैसले तू ही न सकदा नहीं है तो फिर रो ना भज ले जितना मर्जी आंदा ही कमा ले जितना मर्जी आंदा ही
बेहया बन ले जितना मर्जी आंदाई मगर एक दे मुला की को मौत नाल तेरा आमना सामना जरूर होने तेरी मुलाकात मौत नाल जरूर होनी है ते जद तेरे उत्ते मौत आनी है तवज्जो करे आए मौलवियां तो बंदे दा फल बनना कोई नहीं तुहाडे सामने अल्लाह दा कुरान पिया है मौलाना वलीउल्लाह साहिब तशरीफ फरमाए अल्लाह दा कुरान मैं तुहाडे सामने पढ़दा पिया अल्लाह फरमांदा है फइन्नहु मुलाकीकुम जदा तेरे उत्ते मौत आवनी है मौत ने तेनू मिल के ढाणा है तेरी खुरियां ते चढ़ के तेनू ढाणा है ते जदा तेरे उत्ते मौत आ गई लोगां ता तेनू कबर च दफना देना है ताके तेरे जिस्म नू कुत्ते बिल्ले चीर फाड़ के खा न वञे असा ता तेरे वजूद दी भी इज्जत कीती है मगर जेड़ा तेरे विच रूह खलोता सुम्मत रद्दून इला आलिम गैब व शहादा जदा तेरे उत्ते मौत आवनी आए तवल तेरा दुनिया नाल ताल्लुक राणा तू किदे लगा मैंने बोलो हुण जदा तू अल्लाह कोलू गया पे इत्थे यारवी पकावे तां ओनू जरूरत बोलो ना यार इत्थों सड मारे तां वी ओदे तक पहुंचना सारे बोलो इत्थों जेकर फ्रूट भेजे तां वी ओदे तक तां अपने कोई नहीं क्योंकि ए फ्रूट ए खाने ते पीने ए दुनिया दी अल्लाह ने बनाए ते जेड़े जहान चो ओ अपने पे ओ दा हुण इस जान नाल ताल्लुक कोई नहीं आए लिहाजा अल्लाह फरमांदा है सुम्मत रद्दून इला आलिमिल गैब व शहादा जदा बंदे ते मौत वैनी है ओदा वल लालियां नाल ताल्लुक नहीं राणा ओदा चनी होटले मौलवियां ते पीरां नाल ताल्लुक कोई नहीं राणा ओदा मुआमला हुण कहिंदे सपुरद हो गया गए अल्लाह ने ताई फरमाया है मौत हर कहते आवनी है मौत कोलो बच के तरह सकदा कोई नहीं तेरे उत्ते मौत आला फैसला ताई फरमाया है जेड़ा असा तैनू दुनिया दी जिंदगी दे अंदर जीवन आली मोहलत मौका नसीब फरमाया है असा दिल कियामत दे तेरी मेहनत दा बदला तेरे सामने जाहिर कराए लिहाजा अल्लाह दे कुरान ने फैसला फरमा छोड़िया जिंदे उत्ते मौत आ जाए ओ दुनिया नालों फुट गया गए जे अजा भी समझ नहीं पयांदी ता अल्लाह माम सईद खान ते रब दिया करोड़ा रहमतां होवे ओ जट्टां नू सौखा जिया माना सिखा गया गए ओ लोगो जींदियां दा जहान ते मरियां दा गुस्तान जींदियां दा जहान है जेड़े मर गए उन्हां दा ये जहान हुण दस जेड़ा अजा भी आदा पिया जी जुतियां दी खिसकाट सुनदे पाए ये बंदा है बंदा पहले दिन तो अल्लाह फरमाया ए अकीदा रख लवे कि तुसा उस जहान च हमेशा नहीं रहना तुसा मरना है ते वल हट के साढ़े दरबार च आ असा तुसा मन लिया के मरना है मौलवी ये सारे रोले कहे गत्ते ने साढ़े च मौलवी गत्ते हुण एक बंदा आता है बई ओ जुतियां दी खिसकाट सुन दे दुआ आदा है बई नहीं साड़ी हर गल सुन दे
त्री आदा नहीं सुनते भी हैं ते विचू वेदे भी है विचू वेदे भी है चौथा है वह आदा है सुनते भी हैं वेदे भी हैं कदी कदी मूझ गालिब आ जावे तो घरू फेरा ही मार वही दे रहे उदासी मूझ तो जान दे दिल च घबराहट आवे ना धिया पुत्रा दी लगदे लेंदे दी अद्धी राती घरों भी फेरा मार अच्छा एक घर तक जो मुर्दे नु मौलवियां अपड़ाया ता सब तो पहले ओदे वास्ते बुआ ता ऐस खोलिया ना जेड़ा आदा जुतियां दी खिसकाहट बुआ इसे खोलिया ना राह इसे भी खाया है जे ए गल ना करदा ता अगू नसल ए न तैयार होवे आ जो हार दियां सुड़दे पैन रेते पैन खांदे पैन पींदे पैन आंदे पैन ते वहींदे पैन नवैंदे पैन ते वहींदे पैन ये सारे काम ता शुरू होए हेल जदा बेहया खिड़की ऐ खोली है के अग्गे ता मोया हाई हुण वलदे पए हैं ता दफनावण आले दी जुतियों दी खिसकाट भी ता शिरक दा फाटक इसे खोलिया बोलो ना हो यार तो कुरान याद आए कि जेड़ा बंदा किसे बंदे नू नेकी दे काम ते लावे चा केड़े काम ते नेकी थे मसलन अल्लाह दा कुरान सुने सुनन वाले दे दिल च सोने मोहम्मद मुस्तफा दा हया आ गया दलाल सुने उस आख्या भाई बस हुण तोड़ी जितनी रगड़ाई है रगड़ाई है आइंदा मोहम्मद दे चेहरे दी बेअदबी ना करे उस रख ले ओ जे तोड़ी ओ सुन्नत ते अमल पैरा हे जींदा रासी अल्लाह जीवे ओनू सवाब देसी एक हिस्सा अल्लाह मैनू भी सवाब नसीब फरमा देसी क्योंकि ओ चंगयाई आले रस्ते ते टुर पिया इसे तरह जेड़ा बंदा बेहयाई ते लैंदा है गुनाह ते ला देंदा है शिरक ते कुफर ते जलालत ते गवायत ते ला देंदा है ता जेड़ा सबब बने है जीवी जीवी ओ मुशरिक शिरक करेंदा वही सी बराबर ओनू उस राह ते लावण वाले ते भी रब दी लानत वसदी रह जाओ तब ये सारा फाटक ये मौलवियां खोले है ना मैं जूतियां दी खिसका हट सुन दे मत मारी गई है वो अल्लाह दा नेक बंदा है सारी जिंदगी खुदा और ओदे रसूल दी शरीयत दा हया करदा रहा है हुण अज मरिया ते ओनू होर कहीं शह दा ख्याल को नहीं बस ओना दफनावण आलिया दी जुतियां ते आख रखी पे तेरे नालों तवत ओ मुशरिक चंगा है जेड़ा चलो इतना तो आदा जो साढ़े हजरत तोरी कुरान दी तिलावत कबर च बह के करे दे चलो कुरान दी तिलावत आदे ना ते एक आदा है बोलो एक बंदे आख्या जने मैं वहींदा प्यों बाबे होरां दे दरबार ते सलामी करन वास्ते सफर हाई ढेर सारा ते मैं रस्ते दे विच मैनू कुछ कजाए हाजत दी जरूरत महसूस हुई मैं रस्ते च एक दरबार है उत्थे मैं रह गया पड़ाव कीता सवारियां हन कोई ना घोड़ा उठ वगैरह मेरे नाल सवारियां हन कजाए हाजत वास्ते उस दरबार तो मैं एक अस्तावा उठाया लोटा मिट्टी दे जड़े लोटे बड़े होते हैं वो उठा के ते जो मैं लै गयो बैर कजाए हाजत वास्ते ते मेरा किदा ही पैर थिड़किया मेरे हाथ च वो मिट्टी का बने हुआ लोटा डट्ठा ते त्रुट गया मैं आख्या मैं तो वहींदा पिया मूं हजरत उन्होंने राजी करन वास्ते तो उल्टा मैं होर नुकसान कर बैठा जी उन्हां दा लोटा ही भज गया मेरे हाथ पुराने दौर दी गल है वो आदा जो मैं जेब चू एक आना कढ़िया टक्का आना वो अगे होंदे ना आने चल दे डेढ़ आना है तो एक यानी इंच समझो पांच पैसे
पांच पैसे मैं कट के ते उस बाबे नु दिते चा भाई हजरत मेरे को गुस्ताखी हो गई है, मेरा हाथ चो लोटा तुहाडा त्रुट गया है, मैं होर तो कुछ नहीं कर सकता, इयो नजराना मेरा कबूल फरमाओ जी। उस अगू आख्या भाई तू वैंदा की दे पिया, उस आख्या जी हजरत तुहाडा ही जड़ा पीर है ना ओदी सलामी वास्ते वैंदा पिया, समझेंदे पे हो। उस बाबे मैनू आख्या भी आ जेड़ा लोटे त्रुटे दा ए नजराना तू मैनू देंदा पिया ना, ए मेरी तरफू उस बाबे दी खिदमत च पेश फरमा देवे। उस आख्या ठीक है हजरत। खैर जिस वक्त अगले बाबे दी कबर ते जने मैं गया ना, ते मैं जू ही बाबे नू आख्या अस्सलाम अलैकुम या हजरत, ते हजरत उरी पै की दे आन कबर च सलाम मैं कीता, मैं कहा अस्सलाम वालेकुम या हजरत, बाबा कबर च बोल के आदा सलाम शलाम पिछे करे पहले मेरे पांच पैसे दे। पहले सिर्फ ओ इस वजह तू लिखदा पिया के बाबे और एडी पहुंची हुई है सरकार हैं कि उत्थू पांच पैसे मिलने ते बाबे नू पहले पता लगा, क्योंकि बाबे का 24 घंटे काम ही ना पैसे नाल जो होया। ओ भाइयो ये असा मौलविया ने रब दे अटल फैसले दा तमाशा बना छोड़िया, वरना अल्लाह दा कुरान फरमांदा है, अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा सोना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह मौत जित पैगंबर तभी आ जावे तभी टालन वाला जमया ही कोई नहीं, मौत दम नहीं के ओदा ताल्लुक दुनिया नालों बोलो त्रुट गया है। अल्लाह फरमांदा है मेरा सोना मुहम्मद रसूलुल्लाह तेरे उत्ते भी हिक दे मौत आवनी है, ते जेड़े तेनू पत्थर मरेंदे उन्होंने भी हेक दे मौत आवनी है, ते जेड़े ते पैगंबर दे कदम दे नौकर हैं उन उते भी मौत जरूर आवनी है, मगर इंसानी फितरत दा तकाजा ए है हालांकि तुसा असा सारिया नू पता है कि मरना जरूर है, अपने हथा नाल दफना के दे आए, मगर फितरत अल हर इंसान मौत आला सदमा जरूर आंदा है, एक बारी बंदे दा दिल हल वैंदा है दिल ते वज के जरब लगदी बंदे दे बेसाख्त अखां चों आंसू वहणे शुरू हो वैंदे, भावें सारी दुनिया भी कुरलांदे रह जावे तवी रब दे फैसले नू टाल सकदा कोई नहीं आए। लिहाजा अल्लाह दे कुरान ने फरमाया है जदा बंदा अंदर पिया सुचे के मेरा दुनिया छोड़न दा टाइम आ गया गए, उस वक्त लगदे लेंदे ओदे उते खलोवण वाले वल तफत साखो बिसाक ओदी पिंडली नाल पिंडली मिला छोड़ेंदे ओदे आजा सिद्धे कर देंदे ओदियां लत्तां सिद्धियां कर देंदे मता एदा रूह निकल वंजे ते एदे वजूद दे आजा बेतरतीब न रह जावेन, इस वास्ते सिद्ध करे ने है ना। लिहाजा अल्लाह फरमांदा वेखो अजा तक रूह ता विचे मौजूद है सारा रूह मैं अल्लाह ने कढ़िया कोई नहीं आए, मगर उतो खलोवण वाले रोंदे खलोते अचानक जो मौत आंदी पई ए जड़े नो उतले खलिया दे इंशाला तू घंटा एक तो उठी बवे आ ए अपने मासूम पुत्र दा मत्था त रज के चुम लवे आ, मगर ओनू तो अपना होश ही कोई नहीं आए। ए मौत रुवेंदी आई है अज ताई न मुरीद छोड़े ना पीर कई खिड़ दे पाग उजाड़ दिते फल मिठे ते फल खीरे कई च
चढ़दी जवानी तोड़ सते नक पतले ते अख चीरे कई खा गई गफरू मसला दे रोंदी अमड़ी रही दिलगीरे ए मौत ला फैसला जता जावे मामा रोंदिया रह जावे फिरा कुल दे रह जावे भावे मसला दी ते फुट दी होई चढ़दी जवानी त्रोड़ सटे अल्लाह ने अपना जेड़ा फैसला फरमाइंदा फैसले नु टालन दी ताकत रखदा कोई नहीं है लिहाजा अल्लाह फरमाता है जद मौत आला फैसला आया हुण मन्नी पिया वे दुनिया छोड़न दा टाइम आ गया ते किते वेंदा पिया इला रब्बिका यौमा इज़निल मसाक किदो दियां तैयारियां होंदियां पईयां जे नेके ता अल्लाह दा छोड़ इना दे रोवण नु इरजई इला रब्बे के भजया यार तू मेरे दरबार चावन के दुखां दा कदों दा छपीड़े छलेंदा पिया है मगर तोए मेरे नालो यारी नहीं छोड़ी लिहाजा अल्लाह नेक बंदे नु सड़ गया दा है जिवें दुनिया दी जिंदगी तोए मैं रब दी मर्जी नाल गुजारी है इरजई इला रब्बे के राजिया तल मर्जी अज तैनू जन्नत च मकान भी मैं रब तेरी मर्जी दा नसीब कर देना है अल्लाह इंज तो नहीं आखे लकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम जदा यो जो बंदा जन्नत च वरसी अल्लाह फरमाई सी ए ना समझे जो यो कोठा मेरा मा तश्तही जो मर्जी आंदा ही ए सारा मैं रब तेरे वास्ते बनाया दुनिया ते साड़ी मर्जी नू तो अगू रखे आए ते अपनी चाहत ते ख्वाहिश नू बोलो पिछू रखे आई आज तेरी ख्वाहिश नू असा अगू रखसा है अपनी मर्जी नू पिछू रखसा है जो तू मंगदा वैसे मैं अल्लाह देंदा वैसे ए ता ओ बंदा है जिसने ताल्लुक इस हुदा नाल बनाया है इस कुरान नाल ताल्लुक बनाया है क्योंकि जन्नत तक अपन वास्ते उस रहनुमाई केड़ी किताब चो लईए बोलो शाबाश यार अच्छा जे मैं इनू इन्हें चाई रखा चुमदा चटेदा रवा ते ए रहनुमाई करे सी ए केड़े करे सी जदा इसनू खोलना है पढ़ना है समझना है तवा ते साड़ी गाइडिंग नाल नाल करेदा रह रहे सी ते जे तू ते मैं आखा जी नहीं ये तो बड़ा औखा काम है बस दो चार जड़ा ना परचियां लिख के दियो चाहू मैं गल ही घात लईदा पता पड़ वैसी जन्नत जेडे बद्दी बैठे हो तो यकीनन दो जखे जी वही सोरा ये तो पक्की गल है क्योंकि ये कुरान जड़ा है ना ये जो शिफा बने है ये दिल दियां मर्जा दा शिफा बने है जेड़ी दिल च गंदगी खलोती है ना ओनू मन के साफ करेंदा है ता रब दा कुरान करेंदा है अल्लाह अल्लाह भाइयो असा तुहानू बार बार आने भाई इन्ना तवीज आली लाना तू बच जाओ तावीज लवना होवे पैसे देवने पौंदे ने कि नहीं देवने पौंदे भावे हजारां नू छोड़ो सौ ही देवना पौंदा है कि नहीं सौ रुपया देवना पौंदा है कुछ पद करके वंजना पौंदा है किराया भरना पौंदा है सफर करना पौंदा है दिहाड़ी भननी पौंदी है ये सारे काम हैं वत अगो ओदे पैर च ढा ढह के ते हीणे कुत्ते यार यही यही भी करनी पौंदी है करनी नहीं पौंदी ये सारे काम करने पौंदे अल्लाह फरमांदा है ओ तैनू तो मैं ओ खजाना दिता है कि तेरे डठे होए नू भी मैं अल्लाह इज्जत दे बुरके पवा छोड़े
मैं तेन कुरान इज्जत वास्ते दिता है, तू एनु कंड करके जलील आप क्यों पे होना है। पैसा भी गया, फिर सिर्फ आसानी से वही तुसा तजर्बा कर लियो, दरबारा ते वेखो, तवीज लिखण आले कोल वेखो, लाइना लगिया खलोतियां उस तो साड़िया धीया भैन की लगी खलोती है, औरतां ढेर आदियां दरबारा ते औरतां वंजनियां छोड़ दे मैनू अल्लाह दी कसम है। बंदा उत्थे नजर है कोई ना, इंजे ना हो सी तो मतलब है गैर उल्ला दे दरबारा दियां जीनता बड़ियां तो साड़िया धीया वंज के बड़ियां। इन्ना कंजरा बेहयावा जेड़े शर्मो हया दा सौदा बैठे करे दिन पीर तवीज लिख लिख के देंदे बैठे हैं। तू ते मैं अज अपनी धी भैन मुहम्मद दी शरीयत वाला शर्मो हया च सिखाइए तो ए पीर सिवा मक्खियां जलण दे होर कुछ नहीं होगा। अल्लाह अल्लाह भाइयो अल्लाह दी कसम ही दे मेरे सामने खुदा दा कुरान पे है, अल्लाह दे घर च बैठा मैं एक दरबार ते खुद गया, साडा मुल्तान दरबारा नाल पुर रहे, पीरा नाल पुर रहे, जेड़े मुशरक नो मुल्तान नो मुल्तान नहीं आदे ओनू आदे मदीनतुल औलिया, पीरा दा शहर है। खुद अपनी अखां नाल देखे, सिर्फ गया मैं इस वजह तो हाँ मत न समझो जो ये भी कोई नजर नहीं याद लाके गया गया इस वजह तो हाँ भाई सटे जाते जो इन्हों पौले मरे ने है इन्हों दियां कुछ आदतां अखां नाल ही तो वेखिए ना जो कर दे के नहीं थे। मैं अपनी अखां नाल बंदिया नू वेखिया जिहड़े किबले अल्लू रु अपना रुख मोड़ के उस कबर आले पासे मुंह करके नमाज़ा खले पढ़ते हैं, उन्ना किबला भी उस मुर्दे दी कबर नू बनाया होया है। अल्लाह दी कसम मैं अपनी अखां नाल वेख्या है लोगां ने बैतुल्ला वल रुख करना ही छड़ दिता है, उन्हां दा किबला ही वो बाबे दी कबर बनी हुई है। फिर ऐसी तरतीब दी उन्ना कबर बनाई है, दरवाजा अगो अंदर वड़ो जिथे बाबा जी और दी कबर पई है, अंदर जो ही हो ना तो इदू आदू उन्ना होर छोटे मोटे मुश्किल कुशा रखे हुए ना, जिम्मे मुश्किल कुशावां दे नक ते हाथ ते लत्तां कपियां इब्राहिम खलीलुल्लाह ने विचाले च इन्नी छोटी जी गैलरी बनी हुई है ताकि बंदा इधे आदे ना हो सके, ते ओ जिहड़ी कबर है ओ सामने पई ओदे सामने करके इतना चौकोर मुरब्बा शक्ल दे अंदर एक सुराख बने होया ताकि जेड़ा ही आवे सीधा उत्थे जाके सजदा करे, सजदा करे। फिर औरता आ गई, एक बंदा दरबार दे विच कुरान खोल के तिलावत कर रहा, दो नौजवान लड़कियां आईया मगर उन्हें बुरका पहने होया दूसरा वो जिहड़ा आम तौर ते लोग पाई वदे होंदे, उन्हें कुरान छोड़ दिता है। ओ उन्हें जिहड़ियां आईया हैं जियारत वास्ते उन्हें अपना सारा वजूद उस कबर ते फेरिया फूरिया, तो खैर अल किस्सा मुख्तसर वो जिहड़ा तिलावत बैठा करेंदा है उन्हें दोवां नूं पुत्र देवण वास्ते एक वक्री जात लै गया। तो ये आए तां हन बाबे दी कबर ते, तू ते मैं भी बड़े पुर एतमाद हो के धीयां नू गल छोड़े ने आए, ये मजहब दे नाम ते बुरे आई दा अड्डा है, ये मजहब दे नाम ते बनया पिया। अल्लाह दा वास्ता ही ले, चाहे तुहाडा नजरिया जो भी है अपनी इज्जत नू महफूज रखो, अल्लाह शाला हर मुसलमान दी चार दीवारी नू महफूज रखे, अपनिया धीयां दा सौदा ना करो, बाघड़ बैठे ही ने बिगाड़ बैठे हैं जड़े तेरी मेरी इज्जत दिया लीरा लीरा कर छोड़े। तवीज लिखण नु क्या है, दो चार घूचे मैं नहीं मार सकता। एक जगह ते गयो से वो बंदा फौत हो गया, शाह शाह सड़ींदा
रस्ते सानू मिल गया एडेर इस्माइल खान की गल है उदा मैं पता कोई ना वेद तो कारोबार है तवी छवी लिखण आला तो खैर ओनू मैं चूके वेदा हम अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह नाल भी स्टेज ते बैठा होंदा ही मैं आख्या भी बंदा बड़ा मुवैद सी उहदे नाल मुलाकात हुई उहदी यकदम ना कोई दो चार मुरीदणियां अगू आ गई वह पहले सिजाण लिया उस भाई ये आंदियां तो मेरे कोल ही पईआं उस दस्ती दस्ती मेरी गड्डी च डैक्स बोर्ड इचू एक वर्का पाड़िया उन्हां दे आवण तो पहले ही खाली वर्के नू पाड़ के चार टुकड़े बना के तवीज उन्हां दी तली ते रख छोड़े खाली टुकड़े विच काईशा है लिखी हुई कोई नहीं ये बड़ी पुरानी गल है उन्हां दा दा रुपये दे छोड़े चार तवीज ते कितने रुपये चाली हो गए ते विच लिखी हुई दसो उन्हां धीआं नूं इस उल्लू बनाया कि ना बनाया ते कागज ही आपड़ा नहीं हरामी मेरी गड्डी चो चा के दिता चलो आप तो खर्चा कर कागज मेरा मुश्किल कुशा उन्हां दा ए मुफत दी एक कमाई है इसे नूं तुसां आखदे हो कम खर्च ते बाला नशी खर्च है कोई ना तो निरे पैसे ही पैसे ओ भाइयो इसे वास्ते कुरान ने फरमाया है कि अपनी इस जवानी नो खर्च कर तो कहीं दी रजा वास्ते कर انفقوا مما رزقناكم من قبل ان ياتي احدكم الموت अल्लाह फरमादा मौत दे आवण तो पहले अपने आप नु संभाल लै जदा खड़कार वजना है वल तेनु संभलण दी मौका असा देवना कोई नहीं है जे कोई ने थके तइए समझो कि मैं हुण अपने अंदर दी तकरीर नु शुरू पियो करना जागदे पए हो ना अल्लाह दे कुरान ने फरमाया मरना तो तुसा जरूर है लिहाजा जे कदाई कोई तकलीफ ते परेशानी या मुसीबत या मरज आ जावे हाल हाल ना पै पवे आए बल्कि अल्लाह फरमांदा है दिल च इयो ईमान ते अकीदा रखिया है कि मेरी मौत हयात दा फैसला करण वाला कौन है अल्लाह करीम फरमांदा है जद ए तेरा ईमान पैदा हो गया तवज्जो कर हुण अगो अल्लाह दा कुरान के फरमा रहा है ओ नौजवान मर्द पे ने इन जगाई रखे है अल्लाह दा कुरान फरमांदा या ايها الذين امنوا اذكروا نعمت الله عليكم اذ هم قوم ان يبسطوا اليكم ايديهم فكف ايديهم عنكم واتقوا الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون الله فرماندہ ہے توکل میرے اوتے رکھ تے جنہاں دے دل وچ وسن والا کون ہوئے अल्लाह फरमांदा है जदा तेरे दिल च मैं वसण वाला आना है वल दुनिया नू चैलेंज कर कोई तेरे उत्ते फूका च मारे कोई मंत्र च पड़े कोई तवी तेरे उत्ते लिख लिख के पा छोड़े कोई तेरे उत्ते जादू पिया करे दावे घबरावे नहीं इन्हां दी हर बेहयाई तो तैनू महफूज रखण वाला कौन अल्लाह फरमांदा है बाजे बाजे इंज होंदा के तू तो सुता पिया होना है या अपने सफर च वधाउणा है अपने किसे काम दे अंदर लगा वधाउणा है मगर तेरे दुश्मन तेरे खिलाफ तदबीर पै करेंदे होंदे अज इस इत्थे आवणा है असा इंज कर देना है बाजे बाजे तेरे खिलाफ थर
खड़े पाए वेंदे तेरे खिलाफ मनसूबे बनाए वेंदे भाईओ जे कलीमुल्ला रब दा कुरान पढ़ के मन जान के गलत चकरे अल्लाह शाला इत्थे ही मेरी जबान नो बंद कर देवी अल्लाह दा कुरान पिया दया छेवा पारे ते सूरत माहिदा दी मैं आया तेरे सामने पड़ी आए अल्लाह फरमांदा है वो अपने दिल च मैं रब नो वसावन वाले आ खुशी ते गमी दे मौके ते ताल्लुक कहिंदे नाल रखण वाले आ अपने दिल दे अंदर यकीन तो रखिया गए कि मेरे नफे ते घाटे दा मालिक कौन है मेरी जिंदगी ते मौत दा फैसला करण वाला कौन है अल्लाह फरमांदा है वल तेरे खिलाफ कोई मनसूबे पिया बनाईंदा होवे इसनू असा हीना कर देना है इसनू असा कमजोर कर देना है इसनू असा नेस्तो नबूद कर देना गए अल्लाह फरमांदा है ओ तां तेरे मुकावण दियां तदबीरां पै करेंदे और मगर फकफा ऐदियो मानको ओ तैनू मुकावण दे चक्करां च ते असा तेरी इज्जत नू वधावण च अल्लाह फरमांदा है ओ ता तैनू मिठावण च लगदे पए ओ ता तैनू मुकावण दा फैसला पै करेंदे मगर कफा आई दियो मान को तेरे खिलाफ हर आवण वाले मनसूबे नू नाकाम करण वाला कौन है अल्लाह फरमांदा है मगर कम तो दो करने तेरे दुश्मन कोलो तैनू बचावना मेरे जिम्मे आए तेरे खिलाफ हर मनसूबे नू नाकाम करना मेरे जिम्मे आए कम तू दो करने पहला कम केड़ा है वत्तकुल्ला दिल दे अंदर हमेशा वसण वाला होवे तो कौन कदी भी तू आराम दे नेड़े ना पिया जावे कदी भी मेरे मुहम्मद दी शरीयत ते सुन्नत दी सीरत दी बगावत ना पिया करे कदी आराम ना खावे पिया धीआं दा हक गसब करके ना खावे सूद ना पिया खावे झूठ बोल के ना पिया खावे ते मुशरक दी कुठी होई दे नेड़े ना जावे ओदे कोलो बचड़ा तो ताए जद वत को तेरे दिल च वसण वाला कौन होवे इत्थे अल्लाह दा वत्तकुल्ला अगे अल्लाह फरमाया यातियन्नकुम मिन्नी हुदा अल्लाह फरमांदा असा हुदा भी तैनू दे छोड़िया वै ते अगो नाल फरमाया गए ला रईब फी है हुदल्लिल मुत्तकी मेरे इस कुरान ते चलन वाला कदी तकवे तो हट नहीं सकदा इस मेरे कुरान ते चलदा वैसे ते हिदायत भी मिलदी जावनी आए ते तकवा वाली नेमत भी मिलदी जावनी आए हुण इस हिदायत ते तकवे ते कायम रहण दा हुण अगला तरीका रब दा कुरान पिया दसेंदा है हुण अगो अल्लाह दा कुरान आदा है वा अल्लाह तवक्कल मोमिनों ये पक्का ठक्का मोमिन राणा है तारा हाल चो उम्मीदा दा मरकज बना तक कहिनो ए दिल च रख के उजाड़न वाला कौन है ते उजड़े हो यानू असावन वाला कौन है खुशियां ते गमियां दा मालिक कौन है मौत हयात ते फैसले करन वाला कौन है ओ अखियां तू ओ डर पुत्र वने दिल लुड़ टुर दी मां प्यो दी ते चोक फना दी डेरे लाए तदबीर नहीं आंदी हथ ढो दी शाला पुत्र जवान ना निखड़े कैं तो गल हिक्का मुक दी ए सौ दी
कलीम पुत्र जवान दा तुर वंजना जिवे महल वने त्रुट खोदी मौत ला फैसला टाल सकदा कोई नहीं है वल भावे नौजवान दी कड़करी जवानी रब त्रोड़ सटे वल भी ओदे फैसले नु तब्दील कर सकदा नहीं है ते जिंदा बाह बेली भी इको जवान पुत्र होवे ओ भी रब ले ले इंज समझो के ओदा एक बाजू खत्म हो गया है क्योंकि बुढ़े मां प्यो दा बाजू तइया जवान औलाद होनी है मगर जद रब वलो फैसला आ जावे अल्लाह फरमादा वअल अल्लाह फलयतवक्कल मोमिनून सारे बाजू त्रुट जावे तवी तेरे दिल च वसण वाला कौन होए तेरे दिल दे अंदर घर करने वाला कौन होए क्योंकि तेनु यकीन होवे इयम ससकलो बेजुर फला काशिफलहु इल्ला मोमिन दा ईमान आउंदा है बेजुर्रे ओदे पैर दी तल्ली च छाला पै गया है तुरदा वैंदा ते खुरी चली गई है या ओदी खुरी दे अंदर कंडा चुभ गया है वैंदा पिया हई ते राह च खबर आ गई है तेरा जवान पुत्र मर गया है वैंदा पिया हई ते अगो खबर आ गई है तेरे भैण भीरा ते मां प्यो तेनू छोड़ गए मगर जेंदे दिल च रब वसण वाला होवे ओ उस वक्त याद फला काश फलाओ इल्ला हो मैनू यकीन है उस रब दी साते जै मेरे कोल ए पार चवाया गए उस मेरे पार नो सौखा भी करन वाला कौन है सो वजह तो अल्लाह करीम फरमांदा है इयम सस कबी खैर फलारा ले फजले अल्लाह फरमांदा जेंदे उते मैं अल्लाह खैर ओ बरकत पावर दा फैसला फरमा लवा मैं अल्लाह दा फैसला होवे के कलीमुल्ला नु मैं लालियां दी मस्जिद शहादा दे अंदर शहीदा दे अंदर उते मैं इस नु कुरान गज गज के सुनावण दा मौका देना है सरदियां नु सालना ते ठरदियां नु ठारना है अल्लाह फरमांदा है फला राता कोई मई दलाल ओनु डक्का देवण वाला जमी कोई नहीं है क्योंकि फैसले करा वाला कौन है ला यमलिकून मौतन वला हयातन वला नुशूर डर ता ओ रखे जिनू डर होवे अपनी जिंदगी दा डर ता ओ रखे जेड़ा डरदा होवे मौत तो मगर जिन्हां दे दिल च गल वस गई है मौत हयात दा मालिक कौन खुशियां ते गमियां दे वणा ला कौन भावे जितने भी मुसीबतों दे पहाड़ आ जावे जे रब दा फैसला ए है कलीमुल्ला ने गजना है मुशरक दे हाथ मुंग डलनी है ओनू डंका दे सकदा कोई नहीं है क्योंकि कलीमुल्ला दा ईमान है वअल्लाह फल यतवक्कल मोमिनो फरमांदा तू इंज दा ईमान रख तेरी कंड ते हाथ रखण वाला कौन ओ भाइयो अल्लाह अल्लाह गैरत ईमान नाल एक बारी नारा तकबीर दा बुलंद आवाज नाल जवाब दियो तुहानू मैं पहले आख्या जो मैं अपने अंदर दी हड़वाड़ होण कढ़ेंदा पिया तुसा हुणे नाल लोटे डुलाई बैठे हो करवा ले दस पंद्रह मिनट होर ला लवा मैं जी अल्लाह अल्लाह संत वत गुट्टी च पियो कुरान दी दे गया सही गल है जदा बंदा रब दा कुरान पढ़दा है ना दिल मुड्डू रजण च आंदा रही आखिर कमजोर जो होया से
दिल नहीं थकदा जिस्म थक वेंदा है। दिल तो करदा जो बंदा इंज बस लहर च रब दा कुरान पढ़दा ही जावे पढ़दा ही जावे। तवज्जो कर अल्लाह दा कुरान फरमांदा है जे तेरे दिल दे अंदर ए ईमान तवल इंजे समझ के तेरे उते रहमान दी अमान तेरे सिर दे रहमत दा साहिबान शर्त ए तेरे दिल च के होवे ईमान के होवे ईमान तवक्कुल बिर्रहमान है दिल दे अंदर ए अकीदा रख के मेरे हिक एक रोंगटे दा मालिक कौन है मेरी जिंदगी दा फैसला करन वाला कौन है। अल्लाह फरमांदा है जदा वल इंज दा मौका आ जाए वलो कदी मोमिन धीआं दा हक नहीं मार सकदा वलो मोमिन कदी मां दी बेअदबी नहीं कर सकदा वलो मोमिन कदी प्यो दा गुस्साख नहीं हो सकदा वलो मोमिन कदी मोहम्मद दी सीरत दा मुखालिफ नहीं हो सकदा वलो कदी मुसलमान सदा के रब दे कुरान नू पट्टा नाल नहीं बना सकदा वलो मुसलमान प्यो दा दे नू कच्चे च नहीं घतेंदा रणे ते चढ़ के खलोंदा है ते के आदा है अल्लज़ीना युमसिकूना बिल किताब जफ़ा रब दे कुरान पा खलोंदा है नालो ते कोई नहीं जेड़े जम्मण वाले आन ओ भी मोढ़े खाली करके टुर गए और भी रल के चलन वाला कोई नहीं है मगर वत भी पीरो खलादा है बिरादरी रहते भावे न रहे मैं खान त दितो या सब कुरान वाला नहीं छोड़ना मैं इसे नु जफा मारना है यू मसीकू रब दे कुरान तमसुक की खलोता है रब दे कुरान जफा मारी खलोता है। अल्लाह फरमाता है जब इहो जिहा मौका आ जाए सारी दुनिया समझे दी है कि आज पीरो मर गया सारी दुनिया समझे दी है कि आज एदियां लत्ता बावा छुड़क वैनी आए मगर अल्लाह करीम फरमाता है मेरिया गल्ला ता नबिया नालों दिया है पीरो कोई नबी ता नहीं आए मगर ओदे दिल जो मैला इत्मीनान आलियां गल्ला सद छुड़ेंदा वाला जद सारी दुनिया नाल मत्था लाई खलोता है मैं अल्लाह तो ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਦਾ ਉਹ ਆਪਣੇ ਵਜੂਦ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਆਪਣੀ ਬਿਰਾਦਰੀ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਮੌਲਵੀਆਂ ਤੇ ਪੀਰਾਂ ਵੱਲ ਨਾ ਵੇਖ ਭੈਣਾਂ ਤੇ ਫਿਰਾਂ ਵਾਦਰ ਨਾ ਵੇਖ ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਸੱਦ ਮਾਰ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਤਸਲੀਆਂ ਪਿਆ ਦਿੰਦਾ ਕਾਲ ਅੱਲਾ ਇਲਨੀ ਮਾਕੋ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਛੂੜ ਜਾਵੇ ਮੈਂ ਰੱਬ ਤੇਰੇ ਨਾਲ मैं रब तेरे नाल ते जिंदे नाल रब रल जावे उधी कंड लावन वाला जमे आई कोई नहीं है शर्त एक है कि अल्लाह फरमांदा है भुखियां वक्त गुजार लै लड़ाइयां बर्दाश्त कर लै गम ते दुख बर्दाश्त कर लै मुखालफतां बर्दाश्त कर लै मगर कम केड़ा करना है वा अल्लाह तवक्कल मोमिनों एक अल्लाह ते तवक्कल तू जरग ना होवन ता कर दिसाए मगर सज्जन दी कंड मैला लगन नहीं देंदा। अल्लाह जज़ाकल्लाह जज़ाकल्लाह।
गल ये मेरी तो अल्लाह अगे दुआ है, अल्लाह मैनू पक्के रख तो अपने कुरान की खिदमत च रख। जे मैनू इस तू थिड़कावना होवी तो थिड़कण तू पहले मैनू रब्बा मौत दे दे, इहदे नालों मर जावना चंगा है। साडे प्यो ने 50 साल खिदमत कीती है तो सिर्फ हर बंदे तक पहुंचाया तो अजमत कुरान नू ही नू पहुंचाया है। इसे वास्ते अब्बा जी रहमतुल्लाह अलैह फरमाइंदे हन कि शान दा खजाना है तो कुरान है, ते बंदा शान आलिया नाल टुर पवे ना तो ओदे टुरन नू भी अल्लाह जेड़ा शान ओ शौकत आला बड़ा छोड़े। इस वास्ते ओ फरमांदे हन पुत्रा इस शान आले नू ना छोड़िया है, एदे नाल जिवें रल के रसो अल्लाह उन्ने तुहानू इज्जतां होर नसीब फरमा दे, क्योंकि इज्जतां दा खजाना ते रब दा कुरान है। हुण जे तुहाडी मर्जी होवे तो दो चार इज्जत आले दे इज्जत आले बोल भी सुना देवां। अल्लाह दा कुरान क्या पिया फरमांदा है, तवज्जो है, अल्लाह करीम ने फरमाया है जिहड़े बंदे दा मैं रब नाल उम्मीद लग गई है, मैं रब नाल ताल्लुक ते जोड़ बन गया है, सच्ची ईमान दी दसो थके तने बैठे बाहर लियो माशाल्लाह अल्लाह अल्लाह। अल्लाह करीम फरमांदा है जिन्ना बंदियां दे दिल च वसण वाला कौन है, उन्ना उम्मीदां लाइयां तो कहीं दे नाल उन्ना नू पता है के ओदी मर्जी तू बगैर सुक्का पत्र भी तले ढांदा नहीं आए, उन्हां नू यकीन है के साडी जिंदगी ते फैसले करन वाला कौन है। अल्लाह दा पाक पैगंबर मदीना आलिया हिजरत फरमा गए, जेड़े कुछ नाल चल के हिजरत करन वाले हन ओ भी हिजरत कर गए। अल्लाह दे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु 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 अलैहि वसल्लम भी तशरीफ ले गए, जेड़े कुछ मुहम्मद ते ज़ईफ किस्म दे मर्द औरत रह गए हन ओ कठे सफर नान कर सकदे सोने पैगंबर दे नाल, पिछू मुशरिकीन दे हत्थे चढ़ गए, उन्होंने जुल्म सितम उन्हां मोमिनीन ते करना शुरू कर दिता है, हत्ता के कुछ मोमिनीन ते मोमिनात नू इंज दे सतूना दे नाल बन के खड़ा कर दिता गया है, उन्हां दे बाजू पिछू पुठे बन के बाजू नाल उन्हां नू जकड़ दिता गया, थमियां ते सतूना नाल उन्हां दे मासूम धीआं ते पुत्रां नू उन्हां दे सामने ले आया गया है। आखन लगे हुण भी वेले मोहम्मद लड़ छोड़ दियो, उन्हां कमलियां नू क्या पता के मोहम्मद दी चस जैनू पै जाए, ओ कदी मोहम्मद दी थुक दी भी बेअदबी कर सकदा नहीं है, ए कोई दुनिया दा मौलवी ते पीर त नहीं है, ए ता बदरे मुनीर मोहम्मद करीम है, जिंदे दीदार नू दुनिया तरसदी रह लैंदी है। ओ ना मुराद आखन लग गए के मोहम्मद रसूलुल्लाह दा लड़ छोड़ दियो, उन्ना आखिया मरदे मर त सकदे आए, मगर जेड़ा सबक सानू मोहम्मद रसूलुल्लाह देख गया है एदे नालों फुट के राणा गुजारा नहीं हो सकदा। उन्होंने मां प्यो दी अखी दे सामने उन्होंने बच्चियां ते बच्चियां नू टुकना शुरू कर दिता है, आ दिन होर दसो के मोहम्मद खुदा सच्चा या साडा मजहब सच्चा है। आखिरकार जेड़े बजुर्गां नू सतूना नाल बन के खड़ा किया गया है उन्होंने दियां जबाना भी मुठों कट लिया गईया,
आखन लगे जिड़ी जबान नाल तुसा रब रब करना है उस जबान नू ही तुहाडे मुंह च नहीं रान देना। अल्लाह दा करना वेखो पिछुए मक्के दे अंदर इन्हां दे उत्ते जुल्म सिदा मोंदा पिया है मगर मुहम्मद करीम तो मदीने आलिया तशरीफ ले गए उन्होंने अपने मुरीदा दी हालत दा पता कोई नहीं है। अल्लाह करीम ने कुरान नाजिल करके उन्हां दे ईमान दियां गवाहियां नाजिल कर छोड़िया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर मुहम्मद रसूलुल्लाह नू अल्लाह करीम ने फरमाया मेरा पैगंबर तू तो इत्थे बैठा ते उन्ना मोमना दी हालत वेख ओ ज़बाना भी कटाई खलोते बच्चे भी ज़िबा कराई खलोते वल भी के खले आते रब्बना है तेरी खैर। जब अंदर ईमान होए ते दुखां च घिरिया खलोता होए उसले रब नू साड मारां दी चासी वखरी होदी है। ज़बाना कटवाई खलोते न वल वी के आदे न रब्बना अखबिर अल्लाह रब्बना الظالم اهلها وجعل لنا من لدنك وليا وجعل لنا من لدنك نصيرا اكن لگے او ربا سانو پتہ ہے तेरी मर्जी तू बगैर साड़ी जबान कट सकदा कोई नहीं है। तेरी यारी दा मजा आया ना ए भी पता जो जीभां काहे कटवाईयां पोत्र काहे मरवाया तू तो मैं इंज करे सा जो सानू कोई हिक थप मारे असा ए पासा ओदे अगू करे सा उस हिक मारीए तो पांच जरूर ठुके सा अस इंजे है के नहीं दसो यार बंदे तो जमीर गवारा करें दा कोई इन्हें कोई बेकसूर किसी नूं थप मार दे ए उन्हां नूं पता है कि जीभां साड़ियां कहां कटवाईयां ए उन्हां नूं पता है कि सानू घरों बेघर कौन कराई खलोता है वत भी उस नूं सड़ पै मरेंदे ने बई जिवें थप मारी गई उन्ने दुए हाथ नाल मल के सकू नहीं आप दे जा अल्लाह जिवें सानू फसाया ही एदे विचों कढ़ण दा तरीका भी काहे कढ़णा है ते फरमाया मिल्ला दुन का साडे कोल वसीले शसीले कोई नहीं हो साडे हीला ही तू है ते वसीला ही तू मिल्ला दुन का अपने तरफों साडे बचावण दे असबाब पैदा फरमा। अल्लाह फरमांदा है इदू ओ रोंदे खलोते आन उदू मैं सोने मुहम्मद नूं आख्या मेरा सोना तू तो इत्थे बैठा है तैनू पिछलियां दी रत दियां हंजूं वांदियां होईयां दा पता कोई नहीं सोना आया तो तू अजा नवा नवा है मगर उन्हां दियां हंजूं डठियां होईयां नूं जे मैं उन्हां दी कदर न करां तो उन्हां नूं हां ना लावण आला होर उठी भावें कल्हे ही लड़ना पवी लड़ते उन्ना सजना नु छुड़ा के लाया। मतलब क्या है ओ दसो सोने मुहम्मद मुस्तफा तो वध के कोई शान वाला दुनिया ते आसी जमसी बोलो तो सही मगर उन्ना नु जेड़ी तरबियत ते घुट्टी मुहम्मद सोने ने दिती है ओ उसे घुटी ते खलोते हैं जींदे पैगंबर नो भी अपनी दुआ नाल वास्ता वसीले दे तौर ते पेश नहीं कीता क्योंकि उनानु सबके मिलिया हा जिथे जड़े हाल च होवो ता तवक्कुल सिर्फ कहिंदे उत्ते करना है। बोलो हुण इयो जी मोमिन ही भला तवीज़ां आले पासे वही सी
अल्लाह अल्लाह तवीज लिखण ते लवण आले ऐसे बेहया हैं के इयो जिया कंजर दुनिया ते होर कोई नहीं। ए सिद्धे खुदा नाल मुकाबला लाई बैठे। अल्लाह फरमांदा है तू ता जमा दे पेट च वदा है फकद्दरहू मिन अय्ये शैयन खलका मिन नुतफतन खलकहू फकद्दरहू सुम्मा सबील यसरहू। तू अजा मां दे रहम च वदा है ते तेरी जिंदगी दे फैसले में अल्लाह पहले फरमा छोड़िया रहम मादा रिचु बाद चाया सुम्मा सबील यसरा तेरे निकलन वाले तंग रस्ते नू यसरा आसान पिछे कीता है अजा मां दी ढेड ढाली कबर च वदा है तेरी जिंदगी दे फैसले में अल्लाह पहले फरमा छोड़िया। इस खुदा दे फैसले नू मने तवीज लिखण वाले जेड़े बद्दी बैठे हो ओही बोलो तो सही च ना बंदा वो होंदा जेड़ा गलती मान लाए वो नहीं होंदा जे सौ खले झल के मन्ने तो वत मन्ने दा केड़ा फायदा। अल्लाह अल्लाह तां अल्लाह करीम ने फरमाया अल्लाह एक मौके ते अल्लाह दे पाक पैगंबर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नु वड़ी तकलीफ आई है। सोने पैगंबर जिथे नमाज पढ़दे हन मुशरिकीन सारी दयाल खुड्डां ते बिल्लां विच पानी सट के ते बिच्छू कट्ठे करेंदे हन ते जिहड़े थले ते सोड़ा मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ते उहदे गुलामान रल के अल्लाह दी इबादत करेंदे हन उस थले ते रात दी तारीकी दे अंदर मुशरिक बन के पठुए ते बिच्छू छोड़ देंदे हन ताकि जद मुहम्मद ते उहदे मन्नण वाले इत्थे नमाज पढ़ सन तां उहनां नूं बिच्छू डंग मार जावेन क्योंकि गंदे बंदे दी सोच भी बोलो ना गंदे बंदे दी सोच गंदी आउंदी ऐ। अल्लाह दे पाक पैगंबर सजदे दे अंदर गए किसे गुलाम नू किथाई बिच्छू डंग मारिया किसे नू किथे डंग लगा है। अल्लाह दे पाक पैगंबर दे अंगल दुते भी एक बिच्छू ने डंग मारिया है। अल्लाह दे पाक पैगंबर रो के आखन लगे आ उंगली हुण उंगली सुनदी तां कोई नहीं ओ सुनदी है अल्लाह दा पैगंबर प्यादा ओ उंगली भावे एक लड़े आई ते भावे दस लड़े नी भीड़ कर ते भावे न कर चिचलाट मचा या सकून जा मगर सुन लै मैं मुहम्मद दा अंग अंग जेड़ा है उस अल्लाह दे नां ते बनया होया है। मैं उंगल ता उंगल रह गई मैं सारा वजूद ता कुर्बान कर सकदा मगर अल्लाह दे दीन दा सबक देवण तो रह सकदा नहीं। अल्लाह दे पाक पैगंबर ने जदा ए फरमाया इसे वास्ते अल्लाह करीम ने सोने पैगंबर दे नक्शे कदम ते चलण वाले दे बारे फरमाया है वमिन अल्लास मैय श्री नफ्सहु बतिगा मरज़ातिल्लाह जिन्ना लोगां ने अपनी जान नू अपने माल रब दे हवाले कर दिता है। अल्लाह फरमांदा है मैं इयो जहनु नाल सौदा कीता है
माल ते जान मैनू च दियो ते बदले विच थाई जल्लतियां बशारतां मैं अल्लाह दे देवणी आए न जेड़ा बंदा अपना माल ते जान मेरे हवाले च करदा है अल्लाह फरमांदा है बे आन लहो जलां ओनू बदले विच मैं अल्लाह जन्नत नसीब कर देवणी आए मतलब ए आई मैं तेनू जेड़ा समझाया ए दुनिया भी आरजी इत्थे आवन वाला भी आरजी न जहान राणा है ते न इस च राणा ले इंसान ने राणा है जे अपने प्यो दा बनना ही ते प्यो दी विरासत संभाली ही ते दिल च टिका लै खला कर मौत वल हयात ले जबुलो को अयो को अहसानो माला मौत नु हर वेल याद रखिया करो कोई पता नहीं केड़े मोड़ ते मुक जाए अल्लाह फरमांदा ए सोच लै के जिंदगी तो च गुजार मर से पीछे ते जन्नत दे बूहे मैं अल्लाह पहले खोल देने जिंदगी में फिर मिलेंगे जब कभी मौका मिला।